नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय परमार है और जैसा है कि हम बहुत सारी वीडियो अपलोड कर चुके हैं डायरेक्ट सेलिंग को लेकर, और आज एक ऐसी ट्रेनिंग जो बहुत जरूरी है हर एक व्यक्ति के लिए जो डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है। 7 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स डायरेक्ट सेलिंग को करने के लिए, कुछ 7 प्रिंसिपल हैं जो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। साथियों, नए व्यक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है चीज को समझना, और जब आप नए नए किसी भी फील्ड पर जाते हैं तो उसकी जानकारी आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए। तो कुछ ये 7 प्रिंसिपल, अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं तो आप डायरेक्ट सेलिंग में सफलता की तरफ बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, कोई रोक नहीं सकता है। तो मैं ये सारा का सारा ट्रेनिंग आपको स्लाइड के थ्रू देना चाहता हूं। आपको नोट बनाने हैं, आपको अगर आप नोट बनाएंगे तो आपके अकाउंट में भी नोट आएंगे, ये बात समझिएगा। और ये 7 के 7 प्रिंसिपल आप जरूर देखिएगा, इसके बावजूद मुझे फिर आपका कमेंट भी चाहिए ताकि आप इन्हें सीखकर आगे बढ़ सकें। दोस्तों, मैं आपको स्लाइड के थ्रू समझाना चाहता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं आपको सबसे पहले स्लाइड पर लेकर चलता हूं, जहां पर लिखा हुआ है 7 प्रिंसिपल टू गेट सक्सेस एंड हैप्पीनेस, यानी कि हर एक डायरेक्ट सेलर के लिए ये चीजें बनी हुई हैं। सबसे पहला है क्रिएट योर ओन प्रोडक्ट टेस्टिमनी। मैं ये शब्द क्यों लिख रहा हूं, हमारे 7 स्टेप है सक्सेस के, आप सबको पता है। सबसे पहला है यूज द प्रोडक्ट, जी हाँ, ये उसी के लिए है पहली स्लाइड। क्रिएट योर ओन प्रोडक्ट टेस्टिमनी, यानी कि आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं, सबसे पहले आप अपना प्रोडक्ट खरीदिए। वो प्रोडक्ट जो आप बाजार से ले रहे थे, वो प्रोडक्ट जो आप पिछले कई साल से ले रहे थे लेकिन आपको उसका रिजल्ट सही से नहीं आ रहा था। दोस्तों, ये जानना जरूरी है कि जो प्रोडक्ट आप दूसरे को शेयर करना चाहते हैं वो प्रोडक्ट काम कैसे करता है। तो आपको सबसे पहले अपनी खुद की एक टेस्टिमनी तैयार करनी है, यानी कि अगर आप टूथपेस्ट लेते हैं तो आप उसे इस्तेमाल करिए, देखिए उसका रिजल्ट क्या है। अगर आप दूसरा कोई प्रोडक्ट लेते हैं जो भी आपके यूजेबल है तो उसका क्या रिजल्ट है, ये आपके पास आना जरूरी है। और अगर आपको रिजल्ट आ ही रहा है तो आप उसे शेयर कर सकते हैं। तो अपनी टेस्टिमनी जरूर बनानी है, यानी कि आपको 100% प्रोडक्ट यूजर बनना है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपके घर के अंदर जो चाय पत्ती, जो कुकिंग ऑयल, जो साबुन, जो टूथपेस्ट, जो शैम्पू, जो सर्प और भी कुछ हेल्थ सप्लीमेंट जो आप लेते हैं, उनका आप यूज करिए खुद, और फिर उसके बाद आप विश्वास के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये जरूरी है, गिव द एग्जांपल ऑफ योर प्रोडक्ट टू अनदर पर्सन। आपको करना यही है कि आप किसी भी व्यक्ति को अमीर बनाने का सपना ना दिखाकर आप उसे अपने प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस बता सकते हैं। वही प्रोडक्ट जो एक टर्नओवर खड़ा करता है और उसी से आपको कमीशन आता है, इसी को एक्चुअल डायरेक्ट सेलिंग कहा जाता है। शो द डेमो ऑफ योर प्रोडक्ट। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके पास आपके प्रोडक्ट को सही तरीके से दिखाने के लिए आपको उसका डेमोस्ट्रेशन आना चाहिए। आपने देखा होगा बहुत सारे डेमोस्ट्रेशन वीडियो के रूप में रखे हुए हैं, तो आपको सीखना है और अपने उस अप्लायंस से भी सीखना है जिसके साथ आप एसोसिएट हो रहे हैं, उससे पूछना है कि क्या मैं कुछ प्रोडक्ट के डेमो सीख सकता हूं। वो आपको ट्रेनिंग देगा, आपने हूबहू उस चीज को दूसरे व्यक्ति को जब आप दिखाते हैं तो आप सफलता की तरफ बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि लोग उससे प्रभावित होते हैं, और आपको जानते हैं कि जब भी कोई रिजल्ट अच्छा आता है तो लोग उसको खरीदना पसंद करते हैं। तो ये पहला आपके पास स्लाइड था। साथ में दूसरे नंबर पर मैं आपको लेकर जाता हूं, जो दूसरे नंबर का प्रिंसिपल है, अंडरस्टैंड योर वर्क इन योर कंपनी। यानी कि जिस भी कंपनी के अंदर आप काम करते हैं, आपको आपका काम पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए 5M, एक फॉर्मूला है 5M, जिसमें लिखा हुआ है मीटिंग्स मेकर्स मेक मोर मनी। यानी कि जो व्यक्ति मीटिंग्स के अंदर ज्यादा अटेंड करते हैं, और आजकल तो जूम सेशन चलने लगे, आप सबको पता है बहुत आसान हो गया है पहले से, क्योंकि पहले सब लोग फिजिकली मिलना पसंद करते थे, फिजिकली आज भी मिलते हैं, लेकिन अपनी बात आप रख सकते हैं पूरे भारत से, पूरे इंटरनेशनल लेवल पर आप लोगों को अपने साथ जोड़कर रख सकते हैं। तो आपको करना क्या है, सुबह शाम अपनी जूम मीटिंग जरूर करिएगा, लोगों को समझाइए, समझाने का तरीका है स्लाइड के थ्रू बता सकते हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप मीटिंग में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं ये आप जरूर देखिएगा। एंड डेली शो द प्लान टू 3-5%, यानी कि आप अपना प्लान जूम मीटिंग के थ्रू भी बता सकते हैं, फिजिकली भी बता सकते हैं, दोनों ही तरीके से आप इस काम को करिए, आपको रिजल्ट आएगा ही आएगा। तो यानी कि दूसरा प्रिंसिपल है, अपने काम को समझिए और अपने काम को समझकर आप दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करें। नंबर थ्री प्रिंसिपल क्या है, अपग्रेड योर सेल्फ फॉर रिच एंड सक्सेसफुल लाइफ। इसमें कैसे बता सकते हैं, एक बहुत बड़ा उदाहरण है लाइफ साइकिल ऑफ कैटरपिलर टू बटरफ्लाई। आप यहां पर देख सकते हैं, जब एक कैटरपिलर होता है, आपने इसकी लाइफ को देखा होगा अक्सर, जब ये कैटरपिलर एक एग के रूप में होता है, फिर ये कैटरपिलर बनता है, एक लाइफ सर्वाइव करता है, उसके बाद ये जब अपने आप को बदलता है, फॉर्मेट में बदलता है, तो इसका जो समय होता है बड़ा पेनफुल होता है, लेकिन इसके बाद का जब ये एक ऐसा बटरफ्लाई में चेंज हो जाता है, तो दोस्तों आप सोचिए कि उसकी लाइफ बिल्कुल अलग ही हो जाती है। तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी लोगों के साथ इसी तरीके से घटना घटित होती है,
तो एक समय आता है कि लोगों को लगता है यार बड़ा कष्ट है, बड़ी दिक्कत है, तो वो एक समय होता है अपने आप को बदलने का, वो होती है ट्रेनिंग और जो आपको आगे बढ़ाने का काम करती है। तो आपको अपनी लाइफ को इस तरीके से लेकर चलना है एक एग्जाम्पल के तौर पर। एंड नंबर फोर है डेथ रेशियो इन नेटवर्क मार्केटिंग इज 97%। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा इसको। क्या है इसका रेशियो का मतलब? गिव द टाइम टू दिस बिजनेस, इस बिजनेस को समय चाहिए। ठीक है दोस्तों, 97% लीव दिस बिजनेस इन 3 to 4 months, यानी कि मात्र 3 से 4 महीने में 97% लोग इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। इसका कारण सबसे बड़ा होता है कि वो मीटिंग्स कम अटेंड करते हैं, बिजनेस को कम समझते हैं, ना तो उसका मार्केटिंग प्लान समझते हैं, ना उसके प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस समझते हैं। और जब चीज़ें नहीं समझ में आएंगी तो लोग दूसरे को प्रभावित कैसे कर सकते हैं? आपका नॉलेज ही आपके बिजनेस को बढ़ाने का काम करता है। साथ ही साथ इफ यू विल बी कंसिस्टेंट फॉर 2-3 years इन दिस बिजनेस, यू कैन लिव ए सक्सेसफुल लाइफ। दोस्तों मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, किसी भी बड़े काम को करने के लिए 2 से 3 साल का समय लगता है। जब आप पूरा का पूरा अंडरस्टैंडिंग कर चुके हैं अपने बिजनेस को, तो आपको 2 से 3 साल लगातार काम करना है, और जब आप काम करते हैं तो बिजनेस में आप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपके लिए एक नंबर 4 प्रिंसिपल है। नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, और नंबर 5 पे क्या लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, डोंट कंपेयर योर रिजल्ट विद अदर्स। जी हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, डोंट कंपेयर योर रिजल्ट विद अदर्स। पे आउट कंपेरिजन करना शुरू कर देते हैं लोग बाग, टीम साइज कंपेरिजन करना शुरू कर देते हैं। एंड इफ यू वॉन्ट टू वर्न देन डिफिट टू योर सेल्फ इन नेक्स्ट मंथ, यानी कि अगर आपको अपने आप को जिताना है तो आपने जितना काम इस महीने का है बस उसमें बढ़ोतरी करते चले जाओ। 5%, 10%, 5%, 10% आप जीत सकते हैं, आप बहुत अच्छे से जीत सकते हैं। बस अपने आप को कंपैरिजन करो, तब जाकर आप आगे निकलते हैं। गिव योर 100% फोकस ऑन योर नेटवर्क। आपका 100% फोकस किस पर होना चाहिए? आपके नेटवर्क पर होना चाहिए। कंपेयरिंग किल द एंजॉयमेंट। और कंपैरिजन की जो चीजें होती है ना, जब आप कंपैरिजन करने चले जाते हैं तब आपका जो एंजॉय होता है बिजनेस करने का वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। इस बात को समझिए आप। और एक नीचे लाइन लिखी हुई है, सबका अपना टाइम आता है। हो सकता है आपका अभी समय ठीक ना चल रहा हो सकता है आपका अभी समय ना आया हो, दोस्त उसका इंतजार करिए और एक दिन आप उसी तरीके से चमकेंगे जैसे बाकी लीडर्स चमकते हैं। साथ में नंबर 6 जो आपका प्रिंसिपल है, ये देखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप विद योर अपलाइन एंड डाउनलाइन प्ले एन वाइटल रोल इन डेवलपिंग योर बिजनेस। जी हाँ, आपका आपकी टीम के साथ अप या डाउन जो भी आपके साथ लीडर्स हैं उनके साथ आपका रिलेशन बहुत अच्छा होना जरूरी है। जी हाँ, बहुत जरूरी है। आपको एक्टिवली अपने परफॉर्मेंस शो करना है उनके बीच में, और अपने आप को इस तरीके से व्यवस्थित करिए कि आप अपने शब्दों के द्वारा, अपनी ट्रेनिंग के द्वारा, अपने एक्टिव परफॉर्मेंस के द्वारा अपने लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। और दोस्तों आपको गाइड करना है अपनी टीम को, क्योंकि नीचे एक लाइन लिखी हुई है, योर टीम इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी टीम जो आपके साथ लोग आपके भरोसे पर आए हैं वो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इसे जरूर हैंडल करिएगा। अगर आप रेस्पॉन्सिबल नहीं हैं तो आप बड़ी टीम हैंडल कर ही नहीं पाएंगे। तो आपको उसके लिए मीटिंग भी करनी पड़ेगी, आपको उसके लिए जूम मीटिंग, फिजिकल मीटिंग, वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, आपको टेस्टिमनी दिखानी पड़ेगी, आपको वो सारे काम करने पड़ेंगे जो एक लीडर को करना होता है, तब आप आगे बढ़ते हैं। तो ये जो नंबर 6 प्रिंसिपल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर जरूर फोकस करिएगा। ठीक, नंबर सात है लॉ ऑफ एवरेज। इसको हमेशा अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी बताने जा रहा हूं आपको। इफ यू विल शो द प्लान टू 10%, यू विल गेट 1। यानी कि अगर आप 10 लोगों को प्लान शुरुआत में दिखाते हैं, जैसे मेरे साथी बहुत सारे इस महीने ज्वाइन कर रहे हैं, अगले महीने ज्वाइन कर रहे हैं, तो बिल्कुल न्यू है अभी, उनको ज्यादा नॉलेज नहीं है। जो रेशियो एक पुराने लीडर का आता है वो एक नए लीडर का रेशियो नहीं आता है। तो शुरुआत में सबको यही भी लगता है कि यार ये बिजनेस ऐसा है वैसा है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, शुरुआत में आप जब 10 लोगों को बताएंगे तो 1 या 2 व्यक्ति ही आपके साथ ज्वाइन करता है, क्योंकि आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। वहां पर शुरुआत में सब प्रैक्टिस ही करते हैं, आप उसे प्रैक्टिस ही मानिए, एंड देन आफ्टर आप धीरे धीरे आपका रेशियो बढ़ने लगता है। डोंट हर्ट बाय द इग्नोरेंस। लोगों की इग्नोरेंस से मत घबराइए, लोगों की इग्नोरेंस हर जगह मिलती है। आप तो सेल में हैं भाई मेरे, वैसे भी तो आपको इग्नोरेंस तो मिलेगी यहाँ पर, बट आपको घबराना नहीं है। एवरी पर्सन विल नॉट ज्वाइन यू। जी हाँ, हर आदमी आपको ज्वाइन नहीं करेगा। अब मैं इस बात को कैसे क्लियरिफाई करूँ? देखिए, बाजार के अंदर एक ही तरह की बहुत सारी दुकानें मिलती है आपको। क्या हर एक ग्राहक हर एक व्यक्ति के पास जाता है? नहीं जाता है, बट यहाँ पर भी ऐसे ही है। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से दोस्तों ये समझना होगा आपको, एंड हु इज नॉट इंटरेस्टेड ज्वाइन विद यू देन यू मेक ए कस्टमर बाय प्रोडक्ट। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे आप प्लान दिखा रहे हैं और वो आपके साथ ज्वाइन नहीं कर रहा, तो आप उसे अपना कस्टमर बना सकते हैं। बहुत सिंपल सी कहानी है। और जब वो आपके प्रोडक्ट यूज करेगा तो उसके अंदर विश्वास पैदा होगा, और विश्वास पैदा होगा तो वो एक दिन आपके साथ ज्वाइन भी करेगा, एंड डे बाय डे यू विल गेट ए बेटर रिजल्ट।
यानी कि डे बाय डे आप क्या है आपका जो रिजल्ट है वो बेटर आना शुरू हो जाएगा। तो ये कुछ 7 प्रिंसिपल थे जो मैं आपको साथ शेयर करना चाहता था। दोस्तों बात सिंपल सी है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं आपका बिजनेस भी आगे बढ़ता है। हाँ ये है कि आपको मार्केट को समझना होना चाहिए। जैसे अभी एग्रीकल्चर का समय आने वाला है तो आपको एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। शादियों के सीजन पर आप अपना कॉस्मेटिक आइटम पर अच्छा ध्यान दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। एंड आप सभी जानते हैं कि अभी बहुत सारी बीमारियां फैली हुई हैं, उसके लिए आपको हेल्थ सप्लीमेंट की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो हेल्थ सप्लीमेंट पर भी आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो अपने पास रेंज सभी तरह की होनी चाहिए और सभी तरह की रेंज आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने का काम करती है। बस इसमें यह है कि क्या आप अपना काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप अपने काम को करने का कारण बनाइए। जब ये कारण बना लेते हैं ना आपको करने का, तो मेरे भाई आप बिजनेस भी करते हैं, आप आगे भी बढ़ते हैं और अपने सपने भी साकार करते हैं। मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ है। आगे बढ़िए और बढ़ते रहिए, अपनी टीम को आगे बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।